हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय ड्राइंग क्लास। चिल्ड्रन, आज हम लोग एक ड्राइंग करने वाले हैं। बताइए तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? आपको क्या दिख रहा है? ये शिप, ये जहाज। और अभी हम लोग जीके में व्हीकल्स भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी क्या है? एक व्हीकल्स है, वाटर व्हीकल है। तो शिप को हम लोग कैसे बनाएंगे? आपको लाइन्स बनाने तो आ ही गया है। आपको ये स्केल लेना है, रूलर लेना है, और ठीक पेपर के बीचों बीच आपको ये पेपर रेक्टेंगल शेप में लेना है, ठीक है? उसके बाद आप स्केल से यहाँ फॉरवर्ड लाइन खींचेंगे, फिर लेफ्ट यहाँ पे स्लैंटिंग खींचना है, फिर इधर से भी राइट स्लैंटिंग खींचना है, और फिर इसको इसमें से आपको मिला देना है, ठीक है? हाथ से बनाइएगा तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। आप स्केल से ही बनाना सीखिए। पहले आप रफ में बना लीजिए, जब आप रफ में अच्छे इस तरह से बना लीजिएगा तब आप यहाँ पे व्हाइट शीट पे कीजिएगा, ठीक है? और फिर इसमें से बीच से आपको स्केल से खींच देना है, और उसके बाद आपके पास तो ढक्कन किसी चीज़ का होगा ही। आप ढक्कन से यहाँ बिठा के इसको आपको ऐसे ऐसे सर्कल करके आपको पूरा ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे एक फिर से एक ऊपर में ऐसे ही रेक्टेंगल शेप में आपको बना देना है, और इसमें छोटा छोटा बॉक्स भी बना देना है रेक्टेंगल शेप में। फिर यहाँ से शिप में तो धुआं भी निकलता है, देखिए यहाँ पे। तो आप ऐसे ही एक ऐसे बना के इसमें से ऐसे करके आपको इसका थोड़ा धुआं भी ड्रॉप कर दे रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बनाई हूँ, सन बनाई हूँ। तो आपको सुंदर से यहाँ पे एक सन बनाना है, फिर क्लाउड्स बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पे बर्ड्स भी बना लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे हम लोग वाटर बनाएंगे, तो जब वाटर ड्रॉ करेंगे तो शिप अलग और पानी अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका शिप यहाँ बन गया, आप पानी आपका नीचे है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा लेना है, स्टार्ट करना है। जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है थोड़ा सा, और फिर ये पानी में दिखना चाहिए कि शिप मेरा यहाँ पे ऊपर में है, इसमें इस अलग नहीं होना चाहिए पानी से, ठीक है? तो मैं अभी ड्राइंग करती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग को ड्राइंग करना है। बच्चों, जब आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा तब आप ब्लैक स्केच पेन से या ब्लैक कलर पेंसिल से आपको ये सबसे पहले आउटलाइन आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो जब आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो उसके बाद इसी से ब्लैक से आपको चला देना है, सुंदर से सारी चीज ब्लैक से अपना कर लीजिएगा। वाटर को नहीं करना है, वाटर को हम लोग ब्लू से ही करेंगे। वाटर किस कलर का होता है? ब्लू। तो इसको छोड़ देना है, बाकी जितना है उसको आपको ब्लैक से आउटलाइन करना है। इसके बाद हम लोग क्रेयॉन या कलर पेंसिल का यूज करके इसको कलर करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं इसको कलर कर चुकी हूँ, आपको भी ठीक इसी तरह से कर लेना है। देखिए मैं यहाँ किस चीज़ का यूज़ की हूँ, ब्लू कलर। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रेयॉन से कलर करेंगे तो सिर्फ डूबना नहीं चाहिए, आपको इसके बराबर इसको कलर करना है, फिर इसको ऐसे करके आपको पूरा फॉरवर्ड करके ऐसे करके पूरा चला देना है। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ समुंदर के नीचे में कुछ ग्रीन कलर का इस तरह का घास बना लीजिएगा। पेड़ पौधा बनता है ना, रहता है पेड़ के पानी के नीचे, ऐसा आपको बना लेना है। फिर फिश भी थोड़ा ड्रॉ कर लेना है, स्नेल भी बना लेना है इस तरह से। और शिप में नीचे में रेड कलर का यूज की हूँ, आप भी अच्छे से कीजिएगा। फिर ये ग्रीन कलर का यूज करना है, देन सर्कल में आप येलो डालिएगा, फिर यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करके इसको और बॉक्स को रेड कर लीजिएगा। फिर इस तरह से सुंदर से पाइप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। सन देखिए, सन को भी आपको इसी तरह से कलर करना है, येलो कलर का करके कलर कर लेना है, और बर्ड्स बना लीजिएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे अपना सुंदर से नेम लिखिएगा। तो बच्चों आपको ये शिप का ड्राइंग एकदम सुंदर से आपको अपने व्हाइट शीट पे आप कर सकते हैं, बहुत इजी ड्राइंग है। और आप अच्छे से इस ड्राइंग को कीजिए, और कलर भी बहुत अच्छी तरह से इसमें फिल कीजिएगा। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।